उस ट्रेनिंग सेंटर के बाहर मैं मौजूद हूँ। ये नाला आपको नज़र आ रहा है, जब इसका सैलाब आता है, पानी आता है, तो मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, वो इंस्टीट्यूट है उसकी दीवार का वो कह रहे हैं कि कटाव हो रहा है, और गवर्नमेंट से हमारी अपील है, इधर की जो गवर्नमेंट है उसके से अपील है कि इसके इसका कुछ किया जाए। बच्चे हज़ारों के तादाद से बच्चे बच्चियाँ यहाँ से ट्रेनिंग हासिल करते हैं, उनका आगे रोज़गार लगता है। तो हमारे साथ इनके इंचार्ज भी मौजूद हैं, इनसे इस बारे में बात करते हैं कि कितनी जगह इनके पास है और इनकी और क्या क्या जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाए। जी बताइएगा। मोहतरम, ये हमारा जो है टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम ये जो इदारा है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर लमनिया, इसका रकबा जो है वो तकरीबन 7 कनाल है। जो हमारे पास कवर्ड एरिया है वो तकरीबन 1.5 कनाल है। बाहर जितना भी एरिया है वो सारा का सारा समझो कि 3-4 कनाल वो है नाले की जद में आ गया है। दिन ब दिन नाले का कटाव हो रहा है और हमें खदशा है कि ये अगर इसी तरह का सिस्टम जारी रहा तो चंद एक दिन के बाद या दोबारा 2-4 जब बारिशें हो जाएंगी तो उससे हमारी वो बिल्डिंग और इमारत भी जाने का ख़तरा है। तो इस हवाले से मैंने बहुत से खतूत अपने महकमे की तरफ से भी लिखे हैं और गवर्नमेंट इंतजामिया को भी बावर करवाया है कि ये जो हमारी करोड़ों के रुपये की जो बिल्डिंग बनी हुई है इसमें बच्चे बच्ची तरबियत हासिल करते हैं, तो मुस्तकबल में हो सकता है कि हमारे लिए बहुत बड़ा वो खदशे का अलामत बन जाए और ख़तरे की अलामत भी हो। तो इसके लिए हमारी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे अगर गेबियन वाल या प्रोटेक्शन वाल लगा दी जाए तो एक तो हमारा जो है वो सरकारी रकबा जो है वो बच जाएगा, दूसरा हमारी जो है वो ये इंस्टीट्यूट की जो बिल्डिंग है वो महफूज हो जाएगी।